मीरा राजपूत ने बच्चे को जन्म दिया है। शाहिद और मीरा फिर से मम्मी डैडी बन गए हैं। लेकिन शाहिद और मीरा का ये बेटा उनसे भी ज्यादा पॉपुलर होगा और इंटेलिजेंट होगा। ये हम नहीं बल्कि कह रही है बच्चे की कुंडली। क्या कुछ कहती है बच्चे की कुंडली, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बुधवार की देर रात 5 सितंबर 2018 को शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। शाहिद और मीरा की 2 साल पहले हुई बेटी मीशा के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। फिलहाल शाहिद ने अपने बेटे की फोटो शेयर नहीं की है, मगर उनका बेटा कौन सा राजयुग लेकर दुनिया में आया है, इस बात को लेकर शाहिद के फैंस काफी उत्सुक हैं। क्या उनका बेटा उन्हीं की तरह सुपरस्टार बनेगा या फिर उनकी कुंडली में कुछ और है। जाने माने ज्योतिष के जानकार सुजीत जी महाराज के हिसाब से चलिए जानते हैं कि कपूर परिवार के चिराग का भविष्य कैसा है। जिस समय शाहिद के बेटे का जन्म हुआ उस समय अगस्त महीने की 5 तारीख थी। जिस नक्षत्र जिन ग्रहों में जन्म हुआ वो काफी शुभ है। इस समय पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली और राजयोग वाले होते हैं। शुक्र स्वग्रही है तो वैभव और प्रसिद्धि का कारक बनता है शुक्र, तो बच्चे के लिए वैभव और प्रसिद्धि दिलवाएगा शुक्र। कुंडली के हिसाब से इस समय में जन्म लेने वाले बच्चे फिल्म अभिनय और निर्देशन में बहुत ही नाम कमाते हैं। वहीं पर कुंडली के हिसाब से ऐसे बच्चे अभिव्यक्ति और भाषा के विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही विद्वान होते हैं, लकी होते हैं, ऐसा कहना है कुंडली का। ठीक इसी तरह अगर भाषा की बात की जाए तो उनका मृदुल स्वभाव सबको आकर्षित करता है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति से निपटने में निपुण होते हैं बच्चे। अब ऐसे बच्चे अत्यंत भावुक और सरल हृदय के स्वामी होते हैं, फिल्म और पॉलिटिक्स में बहुत ही सफल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर सुजीत जी महाराज के अनुसार ये बालक विद्वान होगा, लोकप्रिय होगा, एक्टर बनेगा, निर्देशक बनेगा या फिर अच्छे राजनीतिज्ञ के इसमें गुण है। तब इस कुंडली को देखने के बाद शाहिद और मीरा की खुशी और भी बढ़ गई होगी। आखिर उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।